और इधर आपको बता दें कि सूरत में जब बाबा बागेश्वर का दरबार लगा तो उन्होंने पत्रकार समेत कई लोगों की पर्चियां निकाली। आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या सच बताया। तो तुमने किसी को भी नहीं था, मेरे को हम पे भरोसा नहीं था। मेरे को सही बोल रहा हूँ सर, मैं आया था वीआईपी से वापस में, वो बोले कि ये नहीं चलेगा, फिर वापस घर पे गया और वापस पास का अरेंज हुआ तो इधर आए। तो तुमने नाम आम बताया था क्या किसी को? नहीं। हमें कैसे पता चला? तुम्हारी ठटरी सही इसीलिए, और तुम्हें इसीलिए हमने पहले नंबर पे बुलाया है कि तुम मानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई बिना नाम के बता नहीं सकता, कहीं ना कहीं से पता कर लेते होंगे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले नंबर पे बुलाया कि तुम्हारी ठटरी। हम बहुत खतरनाक आदमी, हमें जो आज्ञा लगी हमने आपका पर्चे पे लिखा है, पढ़े लिखे तो हो, हमें जो आज्ञा लिखी हमने लिखा है। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे? क्या बड़े भाई एक्सपायर हो गए। नाम क्या उनका? नितिन। ठीक है, और पूछो। और वो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, तो हमारा क्या था? उनका क्या नाम? शांतिलाल जी। कुछ और बोलते थे? शांतिलाल। ठीक, और पूछो। और मैं क्या, वो उनको हमारे घर में कोई तांत्रिक, हमने ऐसा लिखा, मन अशांत, घर में उपद्रव, तंत्र विद्या के कारण है, माँ को पैर व शरीर में पीड़ा रहती, कैरियर की दिक्कत है, आपके एक भाई की मृत्यु नितिन की हो गई है, पढ़ते जाइए, पिता की भी मृत्यु हुई है, तंत्र कारण से हुई है, शांतिलाल जी मर चुके हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। बोलिए, यही लिखा? सही है एकदम। यही पूछने आए थे? वही बस मन में। तो तुम तो कह रहे थे कि कोई नहीं जानता, ये सब फ्रॉड है, तुम तो कह रहे थे कि ये सब फदाल है, ये फ्रॉड है। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारी हम लुगाई के बारे में भी जाने के कितनी है, और तुम्हारे हम होटल के गुण भी जानते कि तुम किस किस होटल पे गए, और तुम वो दरिया किनारे जो घूमे वो कांड भी हमें पता है, और ये भी पता है कि वर्तमान में डिप्रेशन में है, दूसरे जगह बदलने की आपके मन में चल रही है, घर में कलेश बहुत मचा हुआ है, तंत्र विद्या परिवार की जिस स्त्री पर शक है वही है। आइए, राम की, सन्यासी बाबा की। कहाँ से हो भैया? सीताराम। मैं राजस्थान कटरा स्थल सीकर। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे जॉब करता हूँ। कहाँ? मार्केट में, अकाउंट्स का। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं 2011 से हूँ। तो आपने सोचा था कि आपको बुलाया जाएगा? मुझे आज सुबह से मैं हो रहा था, मैं अखंड दीपक करके आया हूँ घर पे। हाँ। सन्यासी बाबा का उसी कारण आपकी अर्जी लगी, आपने अखंड ज्योति जलाई, दिन भर कीर्तन किया, और आपने 5 दिन पहले ही छुट्टी लेने का प्रण लिया, फिर उसमें बीच में टोका टाकी हो गई, नहीं जा पाओगे, तुम धाम भी नहीं जा पा रहे थे, बालाजी के दर्शन भर कर पाए। दरबार मुझे रात को 10:30 बजे, बहुत मैं खुश हो गया उस दिन। क्या प्रश्न है आपका? गुरुदेव आशीर्वाद खाली मेरा। ठीक है, बस और कोई बात? और खाली भगवान की कृपा हमेशा के लिए चाहिए। ठीक, और कोई बात? बस आओ, हमने भी कुछ नहीं लिखा, हमने भी लिखा, बस उठ बैठो, पहले ये पढ़ो। कृपा चाहते हैं, भक्ति में उन्नति चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे। सीताराम, सीताराम, सीताराम। जाओ, हनुमान जी की दृढ़ भक्ति बनी रहे, इस मंत्र का जाप तुम करो। अच्छा, एक प्रश्न है तो घर का, बहुत उपद्रव, वो शांत होगा, आय का स्रोत होगा, वो वाला काम भी होगा, आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे, भक्ति तुम्हारी विचलित नहीं होगी, गंदे विचार जो आते हैं वो शांत होंगे, और एक जो तुम्हारा प्लाट का विषय था वो वाला भी आज्ञा आ गया है, जाओ हो जाएगा। सीताराम, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की। उठो, नेक्स्ट, आज प्रणाम कर लो, तुम्हारी इच्छा थी। हमारे भाई भाई बहुत सिग्नल तेज है। शरणागति दे देंगे, खुश। हमारे भाई भाई बहुत तेज है, आइए। हाँ, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? बैठो,
अरे तो दर्शन के लिए तुम्हें पानी नहीं, पानी तो पीना चाहिए। देखो हमारी प्रार्थना है ऐसा प्रण कोई ना ले बे कि जब तक गुरु जी नहीं मिलेंगे हम खाना नहीं खाएंगे पानी नहीं पिएंगे। हम तो इंसान है, ये भगवान के लिए प्रण लो कि बालाजी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम ऐसा करेंगे। हम तो बहुत पापी आदमी है, बहुत ही निकृष्ट जीव है, हम बहुत नालायक हैं, हमारे लिए ऐसा प्रण नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें करना चाहिए और हमें उस चक्कर में बुलाना और पड़ा इस चक्कर में। इधर आओ अब पियो, कब से नहीं पिया, कहाँ के हो, सूरत? अच्छा आओ नजदीक, थोड़ा और नजदीक आओ, ठाकुर जी को इन्हें दे दो, ठाकुर जी लो। हाँ ऐसे और नजदीक आओ, और आओ। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी, बोलो क्या बात है, जल्दी पूछना है। हाँ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? हाँ और हाँ हमने लिख लिया, जल्दी बोलना है, थोड़ा जल्दी, औरों को भी हम टाइम दे दें। हाँ पूछो पूछो, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, बने बिना माइक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम बोले माइक से, ना बोले हम नहीं बोलेंगे। ले वो जो है 326 326, उसके लिए तुम अकौआ जानते हो, अकौआ